मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पाठ 7 लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे। आज हम इस पाठ के अंतर्गत राजनीति को सुधारना, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीति को कैसे सुधारा जा सकता है। रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदोह को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी कि मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा जो रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। मैडम लिंगदो ने एक बार भी वह कार्टून याद नहीं आया। मैं यह कार्टून जिसमें कहा गया कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक खड़े बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में देखना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे, हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की जरूरत होगी। लिंगदो मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वे भी नेताओं में व्यवहार का दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीकों से नाराज थे। हाँ, मैं क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध हर गड़बड़ के लिए है। तो ये लिंगदो मैडम ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसे में है लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। आपने जो आप लोग लोकतंत्र की परिभाषा हमने दी है उसी के अनुरूप इसका रिवीजन है, इसे आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। लोगों द्वारा चुने गए शासक के सारे प्रमुख फैसले ले। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जो भी है कानून की दृष्टि से वो चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो, राजा हो या रंक हो, सभी को अपना नेता चुनने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम उस परिभाषा में कर चुके हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि यह अधिकार से वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने पर भर के लिए नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाजों का
आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और कामकाज से अलग आगे आ गई। हमने यह चर्चा भी की भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यानी हम जो है लोकतंत्र के माध्यम से सिर्फ लोगों का इतने ही अधिकार नहीं दिया है कि वो अपने अनुकूल शासक का चुनाव करें, बल्कि लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण अंग है वो जो हमारे देश या समाज में कुरीतियां या भेदभाव है उनको लोकतंत्र के माध्यम से दूर करना चाहिए, यही सरकार की फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। समानता लोगों में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसे लोकतंत्र या अच्छी सरकार, अच्छे शासन व्यवस्था, अच्छे कार्यकाल के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो ये आपका पाठ आज से समाप्त होता है और आगे का कार्य जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। आप सभी बच्चे इस पाठ का अध्ययन करेंगे अच्छे से और इसके साथ साथ आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। जो भी सिलेबस बताए गए हैं इसके अलावा आप लोगों को मानचित्र भी हमने इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में भरवाए हैं, जिन्हें सभी बच्चे रिवीजन अवश्य करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।